इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बेसिकली वहाँ पे स्पून फीडिंग होता है, हमें सब क्वेश्चंस के आंसर्स वगैरह बोला जाता है, ये इसके सवालों का जवाब किस किताब में किस पन्ने पे रहेगा ये हमें बताया जाता है। हालांकि यहाँ पे कंटिन्यूस परफॉर्मेंस मेजरमेंट होता है, बेसिकली तुम्हें फ्रॉम डे वन तुम्हें असाइनमेंट्स मिलती है, कंटिन्यूस मेजरमेंट पर ये रहता है। और मास्टर्स यहाँ पे सेल्फ स्टडी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन पैटर्न आपने देखे तो इंडिया में स्टैंडर्ड्स इससे भी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इंग्लैंड, तो पढ़ाई का जो तरीका होता है यहाँ पे तो पूरा डिफरेंट है, हमको सब काम खुद करना पड़ता है यहाँ पे। लेकिन इंडिया में तो सारे हमको पढ़ा देते हैं और हमारा काम बहुत कम होता है वैसा कहे तो, लेकिन इधर तो बहुत इट्स अ वेरी हाईली सेल्फ स्टडीइंग कोर्सेस। लेकिन रिसर्च के लिए इधर का जगह बहुत अच्छा है क्योंकि वेरी गुड फैसिलिटीज हैं यहाँ पे रिसर्च के लिए, वेरी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स विच आर नॉट दैट इजीली अवेलेबल इन इंडिया। इन इंडिया यू आर टोल्ड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, इट्स मेनली फॉर पासिंग द एग्जाम्स। समटाइम्स आई फील दैट इट्स जस्ट पासिंग द एग्जाम्स व्हाट वी डू इन इंडिया, बट हियर इट्स मोर नॉलेज टू ट्राई टू गेन मोर नॉलेज इन यूके। लैक ऑफ facilities and actually coordination between industry and the universities, that's a big problem back home. Indian education is very good, the primary education and the secondary education and the college education which I did there have a really good basics. Because of that I agree with you. In India we have to work much more harder, but there's a difference at a certain level when you get education, right? The concept which I find in India mostly, I don't know, it's changing, might be changing, but is that finish your education at one go and then get into job. Whereas here, what I find is it's kind of continuous education. हम लोगों को companies का कोई exposure नहीं दिया जाता है, हम लोगों को किसी companies में कोई हमारे life projects नहीं होते हैं, जबकि अगर हम इंडिया में या कहीं और US में जहाँ तक मुझे मालूम है हम लोग करते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को कंपनीज में लेकर जाया जाता है, हम लोगों को वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया जाता है, दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, कैसा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है। पर यहाँ पर एक साल में कोर्स कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ मैनेजमेंट और रिसर्च का ज़्यादा रहते हैं, जो हमारा इंडिया पे सिर्फ एग्जाम्स का रहते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे ज़्यादा प्रोफेशनल अप्रोच है यूके एजुकेशन सिस्टम में, वही फर्स्ट टू इनिशियल सेमेस्टर मुझे यूनिवर्सिटी या कैंपस बेस्ड लेक्चर्स हुआ करते थे, थर्ड सेमेस्टर मुझे इंडस्ट्री बेस्ड लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला, उसमें मुझे एक्चुअल इंडस्ट्री में मेरा थ्योरी कैसे अप्लाई करनी है, उसका रिजल्ट्स क्या रहेंगे, क्या क्या दिक्कत होती है, ये सब मुझे सीखने को मिला। एज कम्पेयर टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर इतना प्रोफेशनल या इंडस्ट्रियल अप्रोच नहीं है। बेसिक डिफरेंस तो बहुत है, यहाँ पे तो मैं इंस्टीट्यूशन में नहीं हूँ, आई मीन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे तो मैंने एक छोटे से इंस्टीट्यूशन में गया था। यूके सिस्टम में सबसे बड़ी बात है कि आप जो है सो इंटरनेट फैसिलिटी जो आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन है आप ले सकते हैं, या लाइब्रेरी में बुक्स आप काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में आपको ये फैसिलिटी बहुत कम और बहुत कम इंस्टीट्यूशन में आपको मिलेगी, ये ड्रॉबैक्स है। बाकी जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो इंडिया में काफ़ी अच्छी है और इंडियन लड़के पूरे वर्ल्ड में काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। मैं इंडिया में बिलो एवरेज था, यहाँ पर काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। इंडियन स्टूडेंट्स में एक खासियत रही है कि वो मैटिक लॉजिकली बहुत अच्छे हैं, हालांकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें मैथमेटिकल सेंस उतना नहीं है जितना इंडिया में है। इन इंडिया पेपर टाइम कंस्ट्रेंट टेस्ट विच इज मोर लाइक यू मेमोराइज योर वर्क एंड यू गो एंड रिप्रोड्यूस इट इन द पेपर। द एडवांटेज ऑफ इट इज लाइक यू आर गुड इन ग्रास्पिंग थिंग्स एंड गुड इन लर्निंग। But the disadvantage is you just depend on one book, which is not really good because in real life you do require a lot of research skills. In UK, a lot of work in masters depends on assignments, and assignments develops our research skills within you and research culture within you, which is good. But again, the disadvantage is like you can always just take down somebody else's assignment who has done before. हर सिस्टम का अपना ड्रॉबैक होता है, जैसे यहाँ पे आपने असाइनमेंट बनाया और सबमिट कर दिया, लोग असाइनमेंट में क्या करते हैं, वहाँ से उठाया आर्टिकल से सामान उठाया असाइनमेंट में डाला, उसको रेफरेंस नहीं किया और अपना बना के दे दिया।
या किसी और का असाइनमेंट में से उठाया, वहाँ पे लगाया और दे दिया। तो इंडिया में भी आप जो 3 घंटे के एग्जाम है, जो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आप रिसर्च करते हैं और आपका इनपुट ज़्यादा है, तो इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है 3 घंटे वाली, उसमें भी आप इस तरह का इनपुट डालोगे तो आपको आउटपुट वैसे ही मिलना है। वहाँ पे आप इनपुट डालते नहीं, तो सेम प्रॉब्लम आपको यहाँ भी आ सकती है। नहीं, यहाँ पे नहीं आ सकती, क्योंकि आपने असाइनमेंट जो बनाना है उसमें रिसर्च करोगे ही करोगे। अभी आप जैसे बोले असाइनमेंट में ये हो सकता है कि किसी दूसरे आदमी से असाइनमेंट बनवा लो, या एक रात बैठ के आप नेट पर से मटेरियल लेके वो आपके ऊपर। तो इंडिया में भी वही हाल है कि वो आपके ऊपर है कि आप कितना इनपुट डाल रहे हो। बट यहाँ पे मेरी इनपुट ज़्यादा आ रही है, क्यों वो मैं नहीं जानता। इंडियन एजुकेशन हालांकि बहुत अच्छा है, ऑफकोर्स इम्प्रूवमेंट्स हर एक चीज़ में हो सकती है, कोई चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती है। लेकिन आप मेरे को अगर ये पूछ रहे हो कि यहाँ की एजुकेशन का कंपैरिजन में इंडियन एजुकेशन कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया में एजुकेशन की जो सिस्टम है वो बहुत अच्छी है। आदमी अगर चाहे तो वहाँ पर भी एक्सेल कर सकता है, यहाँ पर उसको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैंने जो पहले कहा था कि इंटरनेशनल एक्सपोजर आजकल के दिनों में बहुत ज़रूरी है, तो वो लेने के लिए आदमी ज़रूर बाहर आ सकता है। लेकिन इंडियन एजुकेशन अच्छा नहीं है, इस पॉइंट को लेकर अगर आदमी बाहर आना चाहे, तो मेरे को लगता है कि वो सही बात नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पे वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट्स है कुछ कुछ, जैसे IIT है, IIM है, जो कि यहाँ के इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ कंपैरिजन में बहुत बढ़िया है, और वहाँ के जो लड़के हैं वो यहाँ के कंपैरिजन में बहुत अच्छे हैं। इनका यानी यहाँ का सिस्टम और वहाँ का सिस्टम, जो IIT में जो लोग पढ़ रहे हैं या IIM में लोग पढ़ रहे हैं, उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है। वो हालांकि बहुत आउट यहाँ से बहुत ऊपर है। अच्छे और बुरे की बात तो नहीं है, दोनों अपनी जगह अच्छे हैं, और दोनों में अलग अलग अच्छी अच्छी बातें हैं और ख़राब भी हैं। इंडियन एजुकेशन इसलिए अच्छी है क्योंकि बहुत टफ होती है, और बहुत पहले से हम टफ पढ़ाई करते हैं तो एकदम अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ की पढ़ाई जो प्रैक्टिकल होती है उसमें हम अच्छा कर सकते हैं। इंडिया में पास होना ज़्यादा आसान है या यहाँ पे पास होना ज़्यादा? यहाँ पास होना ज़्यादा आसान। निश्चित तौर पर यह कहना गलत होगा कि इंडिया की एजुकेशन यूके की तुलना में गिरी हुई है। अधिकांश भारतीय छात्र जब यूके में एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी पुस्तिकाओं में लिखा होता है, जो कि अधिकांश कंसल्टेंट्स विज्ञापन के समय लिखते हैं, कि पढ़ाई के साथ साथ 20 घंटे प्रति सप्ताह वर्क भी कर सकते हैं। जब मैंने अगला सवाल भारतीय छात्रों से पूछा कि क्या आप 20 घंटे प्रति सप्ताह काम करते हैं, यदि हाँ तो किस तरह का काम आपको मिलता है, और क्या इस तरह 20 घंटे प्रति सप्ताह काम करने से आपकी पढ़ाई पर असर पड़ता है? पार्ट टाइम जॉब मिला तो भी कौन से जॉब्स मिलते हैं यहाँ पे? कई क्लीनिंग के मिलते हैं, या रेस्टोरेंट्स में या पब्स में मिलते हैं, जो जॉब्स हमें यहाँ पे करने नहीं है, और उसका पे भी मिनिमम वेजेस रहता है, तो इसलिए यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स का सीन कोई अच्छा नहीं है। यूजुअली यू डोंट गेट वर्क रिलेटेड टू व्हाट यू आर स्टडीइंग, इट्स टोटली डिफरेंट, यू गेट इट इन बर्गर किंग एंड पिज़्ज़ा हट और सिक्योरिटी। हाँ, मेरे को 2 पार्ट टाइम जॉब मिला था, जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट करके और एक आसडा एक सुपर स्टोर में सुपरविजन का। लेकिन किसी में हमारा जो पिछले एजुकेशन का है रिलेवेंस नहीं है, फिर भी वी आर डूइंग इट। 20 आवर्स फॉर जॉब, पीपल डू जॉब, बट व्हेन यू आर इन अ कोर्स लाइक व्हिच आई एम इन राइट नाउ, आई एम डूइंग MBA फ्रॉम मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल, सो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली यू डोंट फाइंड टाइम, यू हैव 36 आवर्स ऑफ लेक्चर्स पर वीक, 30 hours of lectures, and then you have teamwork to do, and it's pretty difficult to get a job, at least from the first 6 months, first 9 months. So it depends on your course. People do. I know people in my hall where I'm staying right now. They're doing part-time jobs.